नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर जो कोर्ट में लगातार केस पर केस हो रखे हैं वो सुन सुनकर शायद आपके भी कान थक गए होंगे, लेकिन आज भी कोर्ट में सुनवाई थी और उस सुनवाई में क्या रहा है सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या ग्रुप सी भर्तियां फंस गई हैं? जी हां साथियों, आपने सही सुना, क्योंकि कल और परसों जो एग्जाम होना है इवनिंग शिफ्ट में, उस एग्जाम को लेकर, यानी कि हम बात कर रहे हैं जेई वाले एग्जाम को लेकर, आज जो केस थे उस केस में जो हुआ है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद एसएससी की मनसा ही कुछ हो रहा है और ये भर्तियां फंसती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि साथियों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के पास या फिर एसएससी के पास ज्यादा समय नहीं है अब सोच विचार करने का। 15 सितंबर से पहले जो भी होगा वो हो सकता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना। आपको पता है चुनाव होगा और चुनाव के बाद कौन सरकार में आएगा इसका किसी को नहीं पता। हो सकता है किसी को पता हो, यानी कि वोट देने वालों को पता होगा कि वो किसको सरकार में लाना चाहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 सितंबर तक अब कितना समय बचा हुआ है आप समझ सकते हैं, डेढ़ महीना भी नहीं बचा हुआ, एक महीना मान लीजिए सरकार के पास एक महीना है। एक महीने में अगर जो ये भर्तियां नहीं हुई तो फिर ये भर्तियां नहीं होंगी। और जिस प्रकार से आज की सुनवाई में जो हुआ है विस्तार से, उस सुनवाई के बारे में हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आप खुद विचार कर लीजिएगा कि एचएससी की भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। पोस्ट वाइज बुलाया जाए या ग्रुप वाइज बुलाया जाए, इसके ऊपर लगातार बहस चल रही है। कोई पोस्ट वाइज के पक्ष में है, कोई ग्रुप वाइज के पक्ष में है, कोई सीटी क्वालिफाई के पक्ष में है। सब युवाओं का पक्ष अलग अलग है, लेकिन एचएससी का क्या पक्ष है किसी को नहीं पता है। पहले इन ग्रुप्स का जब एग्जाम हुआ था तो ग्रुप वाइज बुलाया गया था। अब साथियों जब ग्रुप वाइज बुलाना ही नहीं गया है, यानी कि कैटेगरी वाइज बुलाना है, तो फिर ये ग्रुप बनाए क्यों गए हैं ये भी समझ नहीं आ रहा। ये ग्रुप बनाए क्यों गए हैं जो, क्योंकि पहले जब ये ग्रुप बनाए गए थे तो उनकी मंशा यह थी कि भी इनका जो एग्जाम है एक ग्रुप का एक एग्जाम ले लिया जाए और ग्रुप के चार गुना को एग्जाम में बिठा दिया जाए। लेकिन अब जब इनकी मंशा पोस्ट वाइज है तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ग्रुप वाइज कर दी, फिर ग्रुप बढ़ाए क्यों गए हैं? लेकिन इस विषय के ऊपर चर्चा तो कोई कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ कहूं या और कोई कुछ कहे, सबका अपना अपना एक पक्ष होता है। अब एचएससी ने पोस्ट वाइज के हिसाब से लिस्ट लगा दी, एग्जाम 7 और 8 अगस्त को है, यानी कि कल और परसों। इसको लेकर जिन साथियों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया उन साथियों ने केस कर दिया। अब उनके केस की सुनवाई, जो ये केस लगे हुए हैं उनके केस की सुनवाई में आज क्या रहा है कि इन साथियों को इंटरिम रिलीफ, यानी कि अंतरिम राहत देते हुए एग्जाम में बैठने के लिए कहा गया है। अब इनको कल के एग्जाम में बैठाया जाएगा। अब इसको लेकर एचएससी क्यों फंस रही है वो सुनिएगा, गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहीं से तो मामला शुरू होता है। साथियों अब इन कैंडिडेट्स को एग्जाम में बैठाया जाएगा। अब जिन साथियों को एग्जाम में और बैठना है वो शाम तक या कल तक फिर से इंटरिम रिलीफ लेकर, यानी कल दोपहर में उनको अंतरिम राहत दी जाए और वो शाम को एग्जाम में बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जिन साथियों का परसों का एग्जाम है वो कल अंतरिम राहत लेकर एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला कहां फंसेगा? 56 और 57 में। सबसे बड़ा मसला ही यही हो रहा है। ग्रुप 56 और 57 के ऊपर तो युवा तैयार बैठे हैं। अब इसकी जब लिस्ट आएगी, क्योंकि इसी प्रकार से यही प्रोसेस, उस लिस्ट में लगना है। जब इसकी लिस्ट जारी होगी तो अगर जिन जो जो साथी, क्योंकि जो पिटिशनर बनता है उसको अंतरिम राहत दी जाती है, अब इसमें अगर बड़ी संख्या में युवा पिटिशनर बन गए और उनको एग्जाम में बैठा दिया गया तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि जैसे 5 कैंडिडेट हैं, अगर 5 कैंडिडेट को अंतरिम राहत दी जाती है तो 5 सीट को वैकेंट रखकर एचएससी रिजल्ट निकाल देगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या में 500, 700 या 1000, क्योंकि सीटी क्वालिफाई वालों ने जो कर रखा है वो पिटिशनर बनने के लिए कितनी 1100 संख्या कितनी बताई जा रही थी, अगर ऐसे बड़ी संख्या में पिटिशनर अगर ग्रुप 56-57 में बन गए और उनका एग्जाम में बैठा दिया गया तो लगभग ज्यादातर सभी पोस्ट होल्ड हो जाएंगी।
जब रिजल्ट ही नहीं निकाल पाए तो फिर भर्ती किस बात की। और दूसरी बात ये और है, दूसरी बात ये और सुन लीजिएगा कि एचएससी की मंशा के ऊपर सबसे बड़ा सवाल इसीलिए हो रहा है। अब इनको अंतरिम राहत दी गई है, कल अगर ये साथी केस जीतते हैं तो फिर दोबारा एग्जाम लेना होगा, ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें भी फिर क्या हो गया है, अब अलग क्या हो रहा है एग्जाम, तो वो भी कैंसिल हुआ था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? आज होना ये चाहिए था किसी भी प्रकार से इस केस का सोल्यूशन हो, जो भी हो, लेकिन इस केस का सोल्यूशन हो और फाइनल फैसले के साथ ही इसमें जो भी होना था कि भी आप या तो एग्जाम दीजिएगा ग्रुप वाइज के हिसाब से या क्वालिफाई के हिसाब से, जैसे भी जो भी होना है, यानी कि इतने कैंडिडेट को भाई सबसे इसमें जो सेम जगह है वो सेम क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ जो कैटेगरी है जिनकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत बदलाव है, इसके अलावा पहले तो एचएससी को करना ही ये चाहिए था कि सेम क्वालिफिकेशन का ग्रुप बनाना चाहिए था, ग्रुप में कुछ इसमें बदलाव करने चाहिए थे, लेकिन क्या किया, पहले जैसा कर रखा था, पहले वालों का डिसीजन सही था, उन्होंने तो ग्रुप वाइज भी कर रखा था, लेकिन अधूरा अगर काम करोगे, कॉपी भी करने में बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए। अब कॉपी की गई, ग्रुप तो वैसे के वैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिए गए, लेकिन जो ग्रुप वाइज बुलाना था चार गुना के हिसाब से वो बुलाया नहीं। अब आप अधूरा काम करोगे तो फंसने का काम तो कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो 56-57 या फिर ये ग्रुप सी भर्तियां नहीं हो पाएंगी जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अगर केस आते हैं तो एग्जाम कैंसिल होगा, और दूसरी बात अंतरिम राहत वाले जो साथी एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर ये ज्यादा संख्या में 56-57 में बैठ जाते हैं तो फिर सारी पोस्टों का रिजल्ट होल्ड है तो फिर भर्तियां नहीं हो पाएंगी तो सिर्फ समय कितना बचा हुआ है वो आपको पता ही है, ये एक महीना है, एक महीने में अगर भर्ती नहीं हुई, नेक्स्ट डेट के ऊपर मामला चला गया तो फिर आगे आने वाली सरकार क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। फिलहाल बात एक महीने की, आपके पास एक महीने का समय, आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करिएगा, लेकिन एचएससी की मंशा के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। और अभी तो एचएससी की मंशा को लेकर एक दो वीडियो और आने वाले हैं जिसमें आपको बखूबी बताया जाएगा कि आखिरकार एचएससी भर्ती करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन आज का जो कोर्ट केस का अपडेट था उसमें अंतरिम राहत दी गई है, अब 56-57 वाले भी तैयार हो रहे हैं कि अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर कोर्ट केस करना और वहां से परमिशन लेकर एग्जाम में तो बैठना है, क्योंकि युवा तो एक ही बात चाहता है कि मुझे किसी भी हाल में एग्जाम में बैठना है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या एचएससी कुछ अपने बदलाव करती है, क्योंकि अंतरिम राहत दी गई है तो आगे फंसेगी, अब नहीं तो फंसना तो है साथियों। रिजल्ट निकालने से पहले जब तक रिजल्ट अगर फाइनल नहीं आता तो फिर क्या फाइनल है, आधी अधूरी भर्तियां तो एक ग्राम सचिव वाली पता नहीं इनका एग्जाम तो कितनी बार हो लिया। जब तक फाइनल नहीं होती भर्तियां तो फिर फायदा क्या है एग्जाम लेने का। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।